हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रवि लाइफ इन अब्रॉड। आई एम श्रेया, लिविंग इन जर्मनी विद माय हस्बैंड रवि एंड विद माय लिटिल डॉटर एंजा। आप सुन सकते हैं मेरा थोड़ा सा गला खराब है, मुझे कोल्ड हुआ हुआ है, और पहले हुआ था रवि को, फिर बेबी को हुआ और फिर मुझे हुआ। तो रवि को पहले ही होना होता तो फिर ये सीरीज ऐसे ही चलती है। और बेबी के लिए काफ़ी मतलब प्रिकॉशन लिया था, बट फिर भी बच्चों को इन्फेक्शन थोड़ा जल्दी हो जाता है तो बेबी को हो गया। एंजा जस्ट सो के उठी है और मैंने शावर अवर ले लिया है, मैं रेडी हूँ। तबीयत ठीक नहीं है, बट जब आप थोड़ा सा रेडी हो जाते हो तो दिन स्टार्ट करना थोड़ा ईजी हो जाता है और आप अपने में भी अच्छा फील करते हो। तो रवि का एक अपॉइंटमेंट था मॉर्निंग में ही, तो रवि वहाँ गए हुए हैं और इसीलिए अभी मैंने कोई ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया है। एंजा को कराती हूँ पहले और फिर आज। वैसे भी ब्रेकफास्ट में ना मेरा कुछ ऐसा खाने का मन है, बहुत टाइम के बाद बेसन की पकौड़ी खाने की मेरी क्रेविंग हो रही है, कुछ ऐसा ही। तो मैं आज देखती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ बेसन की पकौड़ियाँ। बट रवि थोड़ा सा ऑयली चीज़ों को प्रेफरेंस कम देते हैं, सोचते हैं कि जितने जितना हम अवॉइड कर सकें। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ही हेल्दी माइंडेड पर्सन हूँ, बट जहाँ जितना हम ध्यान दे सकते हैं वहाँ हम देते हैं। जैसे हम थोड़ा और अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे ऑयल वगैरह में है तो ऑलिव ऑयल वगैरह यूज़ कर दिया। ऐसा की आवाज़ सुन रही है, जूस पी रही है, साथ ही साथ आवाज़ें निकाल रही है, मतलब कि मॉर्निंग का टाइम अब शुरू होता है। आप हमारे चैनल में बहुत सारी वीडियोज़ देखते हैं, इंफॉर्मेटिव भी, ट्रैवल से रिलेटेड भी और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड भी। तो हमारे चैनल को खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो भी एंजॉय करिए। Enzo, what are you doing here? देखिए आज धूप कितनी तेज है बाहर। Wow. बहुत तेज आज धूप है, अच्छे से वेदर खुला हुआ है। मैंने आपको पहले किसी वीडियो में ऑलरेडी शायद बताया हुआ है, जर्मनी में इस तरीके से डोर होते हैं कि आप इनको ऐसे करके और इस तरीके से ओपन करोगे तो ये वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, इतना ओपन हो जाता है। और रवि आ चुके हैं। एक्चुअली रवि को भी मैंने कुछ नहीं बताया था कि मैं वीडियो वगैरह शूट करूंगी, इवन मुझे भी नहीं पता था। तबीयत ठीक नहीं थी मेरा, वैसे रेस्ट जोन में पूरा दिन जाने वाला था, बट स्ट्रॉन्ग रीजन ले लिया कि चलो आज वीडियो शूट करते हैं। वीडियो शूट करना है तो आपको एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा। तो अभी फिलहाल मैं प्रिपेयर कर रही हूँ एंजा का ब्रेकफास्ट। मोस्टली मैं ब्रेकफास्ट में एंजा को मिक्स फ्रूट का पेस्ट बना के देती हूँ खाने के लिए। वो मिक्स फ्रूट भी बहुत पसंद करती है खाना, बट कुछ टाइम से स्पेशली जो इधर 2-3 डेज से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे जैम ब्रेड का टेस्ट फ्लेवर अच्छा लग रहा है तो मैं उसे वही दूंगी। और साथ ही में मैंने एक फिश का स्लाइस लिया है जो कि मैंने थोड़ा सा उसे पैन में बटर लगा के और उसे दोनों तरफ से अच्छे से उसे सेक लिया है। और साथ ही में जैसे मैं चॉपिंग बोर्ड यूज करती हूँ ना, तो ये उसके लिए सही रहता है। आप चॉपिंग बोर्ड के नीचे ऐसे एक क्लोथ लगा लो और सेंटर में थोड़ा सा वेट कर लो ताकि ये स्लिप नहीं होगा आपका चॉपिंग बोर्ड और आप बहुत अच्छे से स्लाइसेस कर पाओगे, चॉपिंग कर पाओगे। This is fish and this is your most favorite. Oh. Okay. Enjoy. Enzo, hold this spoon. Okay. Hold this spoon. Take this. यही आपको चाहिए क्योंकि आपका भी पूजा से गला ठीक नहीं है। ये सही रहा है।
कल मैंने घर में स्ट्रॉबेरी जैम बनाया, कुछ भी बोल दो इसे ये थोड़ा सा लिक्विड ही है, पर खाने में जो एक फ्रेश और घर का ओरिजिनल टेस्ट आता है वो है। बस मैंने ऐसे हल्का सा लेके टेस्ट किया था कि बहुत ज्यादा सावर तो नहीं है। अभी मैं टेस्ट करती हूँ, अभी आप टेस्ट करोगे? अच्छा है ना? मुझे याद आया कि ये केक है, चीज केक, इसमें भी अगर हम ऐड करके खाएंगे तो अच्छा लगेगा। ब्रेकफास्ट फिनिश्ड, सो आई एम गोइंग टू डू डिशेज, और एंजा की डिशेज मैं हैंड से ही वॉश कर देती हूँ, बस हॉट वाटर और यूज करती हूँ साथ में ये वाला डिश वॉशर फ्रॉश का, और ये आपको डीएम में इजली मिल जाएगा। जैसे बच्चों के पेसिफियर हो गए, टीथर और मिल्क बॉटल वगैरह हो गई, तो ये अच्छे से क्लीन कर देता है। मैं डिशेस भी इसी से वॉश कर देती हूँ, और साथ में ही थोड़ा सा हाइजीन रखने के लिए मैं अलग से एंजा का स्पॉन्ज रखती हूँ, क्योंकि मैं डिशेस वॉश करने के लिए डिशवॉशर यूज करती हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पर ना किचन का सेटअप लगवाना पड़ता है खुद से, तो अगर लोग ऑप्शन नहीं रखना चाहते हैं तो नहीं रखते अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे जो जर्मन हाउसेज है जहाँ पर ऑलरेडी किचन फिटेड मिलेगा, या फिर जर्मनी में जो जर्मन से उनके सारे घरों में आपको डिशवॉशर जरूर मिलेगा। तो ये जैसे मैंने अलग से रख रखा है कि मुझे अगर अपने डिशेस का भी कोई वॉश करनी है, और बाकी मैं वॉश करूंगी भी एंजा की डिशेस। अमूमन लोगों को डिशेस वॉश करना पसंद नहीं है, बट यहाँ पे ऐसे ठंड बहुत ज्यादा होती है तो काफी हेल्प मिल जाती है स्पेशली डिश वॉशर से विंटर्स में, बट मुझे तो क्लीन करना काफी पसंद है, तो जब डर्ट निकलती है ना और क्लीन हो जाते हैं वेसल्स तो बड़ा मजा आता है देखने में। ये जो स्टेयर्स का ये रास्ता है हमने ऐसे ब्लॉक कर रखा है, बिकॉज एंजा वेल नोज हाउ टू क्लाइम प्रॉपर, बहुत मतलब फास्टली ये क्लाइम कर जाती है ऊपर, और एक दो बार हो चुका है तो काफी ध्यान रखना होता है। क्या था, पहले हमने सिर्फ ये चेयर्स लगाई हुई थी, चेयर के नीचे से उनको रास्ता मिल गया और वो ऊपर चढ़ गई थी, तो फिर मैंने ये कारपेट लाके यहाँ पर लगाया। हालांकि जो आर्टिफिशियल डोर आते हैं वो भी आप लगा सकते हो, बट ये सस्ता और टिकाऊ आइडिया है, क्योंकि कितनी चीजों के लिए कहाँ कहाँ ब्लॉक करोगे। हालांकि एंजा के अकॉर्डिंग अब पूरा घर सेटल हो चुका है। मैं आपको और भी चीजें दिखाती हूँ कहाँ का कैसे कैसे मैंने अरेंज किया हुआ है, ताकि एंजा को हर्ट ना हो और एंजा अपने टॉयज में ज्यादा एंगेज रहे। एंजा, यस गुड, एंजा पिकिंग हर चॉइस, वेरी गुड। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो एंजा का बेबी, एंजा का ये जो प्लेइंग स्टेशन है, यहाँ पर मैंने इसको, आप देखोगे जल्दी जल्दी बता दूं मैं आपको, यहाँ पर इस तरीके से मैंने कर रखा है। उसका रीजन है कि एंजा को इस फैन के पास जाना होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है वो एंजा को लेना होता है। यहाँ पर जैसे मैंने उनका ये बकेट रख रखा है, इससे ये रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया। यहाँ पर चिमनी में हमने ये पेपर का बोर्ड लगा रखा है, जो कि काफी सेफ्टी के लिए जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे ग्लास रखा था और वो बहुत ही रिस्की था, तो हमने ऐसे बाहर बोर्ड लगा रखा है। और यहाँ पर इनका ये वॉटर एक्टिविटी है, ये ट्यूब है रेक्टेंगल शेप में, जिसमें वाटर फिल है और इसमें एंजा आके बिजी हो जाती है, तो मतलब ये जगह भी उनका एक तरीके से पूरा टॉय से कवर है, तो यहाँ वो एंगेज हो जाती है, तो इधर उधर उनका ध्यान नहीं जाता कि वो यहाँ कहीं फिंगर लगाए या इसको गिराने की कोशिश अब करें, तो ध्यान नहीं जाता। साथ में जैसे अभी अभी सडन क्या हुआ कि ये इन्होंने गिराया है, मैं इसको जितनी बार आती जाती हूँ ऐसे करके जाती हूँ, होता क्या है कि अगर मैं ऐसे ना करूं इसको कवर, तो एंजा का डायरेक्ट हाथ जाता है इसको मूव करने में और स्टूल को मूव करने में। अभी ये लगा है ना, तो एंजा इसको गिराएंगी, इस पे बैठ जाएंगी, तो ध्यान इनका डाइवर्ट हो जाता है बजाय इसको हिलाने के, क्योंकि ये गिर सकता है। बाकी इसको हमने काफी स्टेबल कर रखा है नीचे डबल टेप वगैरह से, बट फिर भी बच्चा है तो अब ताकत आ गई है उसके अंदर। डोंट वॉक क्लोजिंग योर आईज, एंजा बहुत खुश होती है तो आईज क्लोज कर लेती है। अभी इनके क्लोथ्स वगैरह चेंज कराने हैं, एक बार रात में मैंने ऑलरेडी नाइट सूट पहनाया हुआ था, गंदा हो गया, फिर मैंने चेंज किया रात में उनके। यहाँ पर एक ये बकेट है एंजा, यहाँ पर ये बकेट है एंजा का, जिससे कि ये इधर का एरिया ब्लॉक है क्योंकि उधर भी वायर वगैरह है,
और यहाँ पर ये एंजा का राइटिंग पैड जो कि एंजा काफी इंजॉय करती है, एंजा को बताना नहीं पड़ा मुझे, क्योंकि जब मैं राइट करती थी ना तो मेरा पेन ग्रैब करने की कोशिश करती थी ये, तो मैंने सोचा कि यार अब जरूरत है इनका कुछ मंगाते, तो रवि ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। और इसमें कितना अच्छा है ये बच्चों के लिए, कितने अच्छे टूल्स हैं सिखाने के लिए, इसमें ये कलरफुल आप राइट कर सकते हो, इसकी ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी है। तो एंजा ने मुझे देखा राइट करते हो, बच्चा जो देखता है वही सीखता है, और एंजा ने इसको ऐसे ऐसे पकड़ना शुरू किया है। मेरे पास वीडियो है, मैं इसमें अटैच कर रही हूँ, आप लोग देखिए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर रखती हूँ ताकि एंजा आए और इन्हीं में इंगेज हो जाए चॉइस में। और यहाँ पर जो सेंटर टेबल था सोफे का वो दिखाती हूँ मैंने कहाँ पर छुपाया है। वो है यहाँ पर सोफे के पीछे, और इसकी हेल्प से वो जगह भी ब्लॉक होगी क्योंकि ये जो आप लैम्प देख रहे हो इसका भी वायर वहां पर है। और इसके साथ साथ ये देखिए यहाँ पर भी मैंने ऐसे ये इसको कवर कर रखा है, ये बॉक्सेस के कवर है, लिड है जिनको मैंने ऐसे लगा दिया, तो ये ना तो उधर जा सकती है और ना वायर को टच कर सकती है। और टेबल भी सेफ है क्योंकि ये टेबल के ऊपर क्लाइम करके बैठ जाती थी आराम से, बहुत खुश होती थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, जैसे जैसे हम लोग इनको देखते थे तो मतलब अच्छा लगता है कि सीढ़ियां चढ़ना सीख लिया। अच्छा ये किसी चीज के ऐसे ऊपर भी बैठ सकती है, जैसे सोफों में आराम से ऐसा बैठ जाती हैं, और उतरना भी इनको मालूम है सोफों से, अभी स्टेयर से मालूम नहीं है कि कैसे उतरना है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ध्यान रखना पड़ता है, और आज का वेदर काफी चंगा ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैंने कुछ पैक भी कर दी है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये चीज जो आप देख रहे हैं ये सॉकेट में यहाँ पर ये सारे लॉक लगा रखे हमने, और साथ ही साथ वन मोर थिंग वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वन मोर थिंग वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ड्रॉर में लॉक लगा रखे, आप देखोगे ये लॉक ये इस तरीके से ओपन हो गया, और एंजा क्लोज करना बहुत अच्छे से जानती है, मैं आपको एक अभी ट्रायल दूंगी। तो ये ऐसे क्लोज हो जाता है, इसके बाद ये खुल नहीं सकता क्योंकि कोई भी चीज बच्चा खोल रहा है क्या चीज कैसी अंदर रखी है लग सकती है, तो फिर ये चीज ध्यान रखने के लिए मैंने ये लॉक्स मंगाए थे, और ये लॉक्स आपको अमेजोन या किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन में इजली मिल जाएंगे, ये सब जगह लगे हैं। शी नोज हाउ टू क्लोज डिड। तो इसका लॉक ऑलरेडी आप देखोगे ऐसे बहुत मतलब टाइट है, बट ये आगे के लिए क्योंकि वॉशिंग मशीन वगैरह ना बच्चे को बड़ा मतलब वो करती है, जैसे आवाज वगैरह इनकी, जैसे एंजा यहाँ पर आके खड़े होके सुनने लगती, देखने लगती क्लोज कैसे राउंड हो रहे हैं, तो थोड़ा सेफ्टी के लिए कि ये चीज मतलब अभी से हमें ध्यान रखनी है, अभी तो इतना नहीं है उनके अंदर कैपेसिटी कि वो अभी इसको ओपन कर ले खुद से। और साथ ही साथ मैं एंजा का रूम भी दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या चेंजेस किए वहां पर। सो वेलकम इन एंजाज रूम। तो यहाँ पर डायपर चेंजिंग वाला एरिया था तो ये भी मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे एंजा की कुछ बुक्स वगैरह का कलेक्शन है और टॉयज वगैरह हैं, ये ऐसे है देखिए, मैंने क्लोथ्स एंजा का सेट निकाल के रख रखा है, अभी इनको चेंज करना है। और साथ ही साथ ये एंजा का टॉय यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें काफी क्रिएटिविटी है, एंजा कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, हाँ या क्लोज यू कैन क्लोज ऑल्सो या। आप हमारी एक वीडियो में देख सकते हैं जो पास्ट में हमने अपलोड की थी एंजा का, जो हमने बेबी रूम टूर दिया था, तो ठीक है एंजा को पता है कि डोर भी क्लोज करना है, और एंजा की एक हैबिट है कि एंजा जैसे ही रूम में आती है एंजा को डोर क्लोज करना होता है। रवि है कैमरे के पीछे, एंजा ने डोर क्लोज कर दिया, तो जैसे ही अपने रूम में आती है तो अपना डोर क्लोज कर लेती है, जबकि हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि एंजा साथ में होती है तो हम ऐसा नहीं करते, पता नहीं अभी एंजा के दिमाग में कहां से आया कि डोर क्लोज करना है, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कहीं पर भी कोई ऐसा लॉक सिस्टम नहीं है जिससे कि अंदर से बंद कर ले तो हमें प्रॉब्लम हो फिर खोलने में, और खोलते टाइम भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि एकदम ये कभी कभी दरवाजे के पास ही होती है। तो एंजा योर फेवरेट टॉय, आप कहां पर हो, दिस इज हियर। तो ये पूरा सोफा कम बेड था तो यहाँ पर हमने इसे खोल दिया ताकि हाइट बिल्कुल ऐसे ना के बराबर है, तो यहाँ से बिल्कुल भी लगने का डर नहीं है, और कॉर्नर्स में हमने इस तरीके से ये सेफ्टी के लिए लगा रखे हैं, तरीके से इनका रूम सेट किया। चलो मैं आपको चेंज कराती हूँ एंड हम खाएंगे बेसन की पकौड़ी। डैडा आप खाओगे, आज बहुत मन कर रहा है, ऐसे सो के उठी थी तभी से मेरा मन कर रहा है, बहुत टाइम हो गया बेसन की पकौड़ी, आज खा लो। इस समय ना ओलंपिक्स का फीवर तो सबके ऊपर चढ़ा हुआ है, अभी हम ओलंपिक्स ही देख रहे थे बीच में थोड़ा सा बैठ के, और ओलंपिक्स काफी अच्छा लगता है ये टाइम कि इतने सारे कंट्रीज खेल रहे हैं एक किसी कंट्री के अंदर। और मैं स्टार्टिंग में 2-3 डेज
कुछ काम के रीजन से मैं बिजी थी तो मैं नहीं देख पाई थी, बट फिर मैंने स्टार्ट किया ऐसे ही, मतलब पूरा दिन ओलंपिक्स के गेम्स चलते रहते हैं और अपडेट्स मिलते रहते हैं, और साथ में मेरा ओलंपिक से अटैचमेंट थोड़ा स्पेशल है बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं टोक्यो में थी तो मैंने एक नई जॉब में ही ज्वाइनिंग ली थी, तो मुझे अपनी कंपनी के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिली थी ओलंपिक्स गेम्स मतलब जहां हो रहे थे स्टेडियम वगैरह में जाना और विजिट करना और सिस्टम वर्क वगैरह हम देखते थे। मुझे ओलंपिक का इतना अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब मैं देख रही हूँ मतलब सारे स्पोर्ट्स को खेलते हुए वहां पर, और वहां पे वॉलंटियर्स भी थे और उनका यही सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि हमें ओलंपिक्स में पैर रखने को मिल रहा है, हमें वहां पे एज अ वॉलंटियर काम करने को मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जिसके चलते वो लोग मतलब कोई पेमेंट वगैरह नहीं रहता उनका और वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, क्योंकि ये भी उनके कहीं ना कहीं सीवी रिकॉर्ड में है, वहां पर वो सारा मेंशन होता है। और साथ ही साथ आगे भी कभी मौका मिला, इस बार पेरिस नहीं तो आगे कभी कोई और मौका मिला तो, या फिर हो सकता है फ्यूचर में लिखा हो टोक्यो ओलंपिक फिर से ज्वाइन करने का। 4 इयर्स में ये होते हैं गेम्स अलग अलग कंट्रीज में, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी टीम और बहुत सारी तैयारी होती है। अदरक और मसाले वाली बढ़िया चाय पियूंगे साथ में, मैं तो बनाऊंगी, क्या तो पियेंगे ही, गला खराब है अभी का। तो मैं बनाने जा रही हूँ कह लीजिए पकौड़िया या भजियां ऑनियन की, और साथ में मैं आज ऐड करूंगी पोटैटो भी। मैंने कुछ ऑनियन लिए, पोटैटो लिए और सब ग्रीन चिली। सबको मालूम होगा कि ऑनियन की पकौड़ियां कैसे बनती है और मेरे से ज्यादा अच्छे से मालूम होगा, लेकिन आज मैं किस तरीके से बना रही हूँ। सबसे पहले मैं पोर कर देती हूँ इसमें ऑयल, और ये वाला ऑयल हम यूज करते हैं ओमेगा 3, जिसका हेल्दी लेबल रेटिंग है बी, और ये आप मतलब ऑयल सेक्शन में किसी भी रेवे देखा किसी में भी आप जाओगे आपको मिल जाएगा इसलिए। इसके साथ साथ और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन ये वाला कोलेस्ट्रॉल को भी आपके कंट्रोल रखता है। तो अरे तो पकौड़ियां जब बनेंगी तो पकौड़ियां डिप तो होनी चाहिए यार, मेरे पास ये मशीन जो है वो कैसे वर्क करती है, कैसे आप घर में ही नाइफ की ब्लेड को आप शार्प कर सकते हो। अगर ऐसे रखो, इसमें ग्रिपिंग दी है, वो ऐसे चिपक जाएगा। तो इट्स ऑलमोस्ट डन, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमें सब सब्जियां ही काटनी है। तो सब्जियां हो गई हैं चॉप्ड, और अगर आप बना रहे हो बेसन की भजियां या पकौड़े तो उसके लिए अगर बेसन नहीं है तो पकौड़ियां नहीं बनेंगी, इसलिए हम सबसे पहले निकालेंगे बेसन और ऐड करेंगे इसमें बेसन। इसी में ना मैं सबसे पहले बेसन को ऐसे क्या करूंगी, वो इसमें मिक्स करूंगी ऐसे ऐसे करके, okay। हाँ, फिर इसमें वाटर ऐड करूंगी थोड़ा सा, तो थोड़ा क्रिस्पी और अच्छी बनेगी ऐसे। चॉप्ड वेजिटेबल्स है, उससे आपने मिक्स कर लिया, उसके बाद फिर आप फाइनल करोगे। हाँ, सीख गया, बना सकते हैं। नहीं नहीं, और यहाँ पर जो मिल्क हम लोग लाते हैं वाला लाते हैं 1.5 वाला फैट वाला। तो सबसे पहले ऐड कर रही हूँ क्यूमिन सीड्स, बहुत थोड़ा, ना के बराबर। देखो इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है, मतलब जो जो आपको पसंद हो आप वो ऐड कर लो। पकौड़ियां हैं तो थोड़ी सी रेड चिली बनती है, सॉल्ट भी, तो मतलब मुझे जो 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 मसाले पसंद हैं जिनका जिनका फ्लेवर मुझे चाहिए, बहुत ज्यादा तीखा भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें ऑलरेडी कोल्ड हो रखा है। नमक तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, सबके सबका अलग अलग होता है, कोई कम खाता है कोई ज्यादा खाता है, हल्का सा ये मतलब ये टर्मरिक पाउडर, ये थोड़ा सा गरम मसाला, ये धनिया पाउडर अच्छे से डालूंगी मैं, धनिया पाउडर तो अच्छा होता है डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। इसमें बहुत ज्यादा मैंने वाटर ऐड नहीं किया, आप देखोगे भजियां ज्यादा है, बेसन थोड़ा है केवल उसको बांधने के लिए, और वाटर बिल्कुल ना के बराबर, ऐसे हल्का सा मतलब ऐसे ही है अभी ये। देखो कुछ भी बनाना हो ना तो गैस जरूर ऑन करना, गैस बिना ऑन किए कुछ भी नहीं बनेगा। तो मैं भूल गई थी, अभी मैंने ऑन करी है गैस, तो थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए। और ये सब करने से पहले आप अपने हाथों को अच्छी तरह साफ कर ले, क्योंकि तो जो लोग किचन में काम करते हो ऑब्वियसली उनकी हैबिट होती है बार बार, जैसे मैं अपने हाथ बार बार धोती रहती हूँ। अभी जैसे मुझे मसाला ऐड करना था, मैंने वॉश किया फिर ऐड किया। थोड़ा सा कम बेसन नहीं है, बेसन कम है और कर दो, मैं पूछ रहा हूँ। थोड़ा सा बेसन इसमें और ऐड किया, थैंक यू रवि।
थैंक यू बनने के बाद मालूम पड़ेगा कि नहीं, वहां खड़े होके बोलना सही रहता है ना, सजेशन ज्यादा निकल के आते हैं उस जगह खड़े होके पर अच्छा है, मतलब सही बताया, थोड़ा सा ऐड कर दिया, थोड़ा और अच्छा हो गया है। चिमनी ऑन कर रही हूँ, थोड़ा आवाज आएगा। अभी हो गया है फर्स्ट राउंड। थोड़ा सा गैस को धीमे कर देना, अंदर तक पकने की चीज है बच्चों। अभी टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। बढ़िया बनी यार, अच्छी बनी है, क्रिस्पी है, सॉल्ट वगैरह मजेदार है यार। सही बताओ, एक्सप्रेशन अच्छे वाले दो अगर, वरना रियल बताओ। तबीयत नहीं सही है बट रियली खाने का मन करेगा आप जब बीमार होते हो, थोड़ा लगता है कुछ स्पाइसी खाओ, कुछ ऐसा खाओ, परफेक्ट वैसे ही कुरकुरा बना हुआ है। आप आवाज सुन सकते हो, जब क्रिस्पी भी है, सॉल्ट भी ठीक है, अंदर से अच्छे से पकी है। हमारा लंच स्किप हो जाएगा मेरा इसको खा के। तो आज का भी ये डे कंटिन्यू है, अभी हम थोड़ा सा बैठ के ओलंपिक एंजॉय करेंगे, देखेंगे और बेबी के साथ खेलेंगे, क्योंकि रवि को बहुत अच्छा वीकेंड में टाइम मिल जाता है बेबी के साथ स्पेंड करने का। एंड सो बेबी आप आ गए। So in today's weekend vlog, we shared some little things related kitchen and how we keep safety of our baby. और उसके साथ साथ हमने आज enjoy किया पकौड़ी time. और अभी वो moment continue है, अभी enjoy कर ही रहे हैं। और आप लोग भी खूब ढेर सारा प्यार दीजिए चैनल को और अच्छी अच्छी recipes बना के खाते रहिए। और हमारी इस video में आपको मतलब कुछ भी अच्छा लगा हो, interesting लगा हो, मजा आया हो video को देख के, video को like करिए, comment करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने जाने वालों के साथ share करिए। तो मिलते हैं आप लोगों से next video में, till then take care, bye bye, off you जाए, say bye, say bye, say bye.